कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते और सच को आंच नहीं होती, लेकिन इस दुनिया में झूठ भी चलता है और सच भी राख कर दिया जाता है। लेकिन जब विवाद सही या गलत का हो तो किसी ना किसी लेकिन का तर्क हमेशा सामने आ जाता है। आहिस्ता से अबे, आहिस्ता से, कच्चे बाल हैं, उखड़ गए तो दाग पड़ जाएगा। अरे ध्यान से, मुलायम है, मक्खन की तरह चला, मक्खन की तरह। पहली बार चिकना बन रहा है लौंडा, बाबा पेड़े बाटो पेड़े। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिटकरी लगा ले फिटकरी। देखा बाबा, एक शेफ तो कर नहीं पाता, ये पायलट का खाक बनेगा। अरे बनेगा, जरूर बनेगा, और देखना तू एक दिन ये अव्वल दर्जे का पायलट बनेगा। रुक जा, इधर लगा, इधर ला, इधर ला। अबे तू ऐस? नहीं, माजा भाऊ। अब ज़्यादा क्या है? अबे भाऊ साहब, चल सर साहब, लेकिन साहब एक मिनट, लेकिन हुआ क्या है साहब? एक लेकिन का विरोधाभास, फिर एक इल्जाम, फिर एक सफाई, लेकिन परिणाम। लेकिन ये क्यों हुआ? इस लेकिन के जवाब में ऐसे कई लेकिन बेजुबां हो गए। अरसा गुजर गया पर ये लेकिन अब भी खड़ा है। क्या ढूंढ रहा है? वो इसके पंख अंदर वाली ड्रॉअर में पड़े हैं, वहां जाके देख ले। बाबा दाग नहीं जाने वाले, सिर्फ वक्त घिसेगा और बदलेगा कुछ भी नहीं। दाग भी जाएगा और वक्त भी बदलेगा, लेकिन हौसला रखने की जरूरत है। सरकार ने तुझे छोड़ दिया पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। सब तेरी तो बता सरकार। बाबा ना बेकार में तेरे से उम्मीद करते हैं, जो दाग तेरी वजह से हम पर लगा है वो कभी नहीं मिटने वाला। तेरे अंदर का इंसान मर गया या जेल जाके तेरा जानवर शांत हो गया? भाग मत, साबित करके दिखा कि तू इंसान है या जानवर ही था। अरे चोर, रुको, चोर, पकड़ो, पकड़ो, चोर, चोर, चोर।
दुनिया की नजर से खुद को मत देख, बस खुद का हौसला जिंदा रख। माहौल भी बदलेगा और एक दिन कोई तुझे नीचा भी नहीं दिखाएगा। बाबा मैं इसे नीचा नहीं दिखाता, लेकिन इसकी वजह से जो मुझे नीचा देखना पड़ता है ना, तो प्रॉब्लम होती है। तो तेरी प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं ना, ये शहर छोड़कर जा ही रहे हैं ना, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ का दिया हुआ यहीं छोड़कर जाना बस। अब लेकिन लेकिन क्या? लेकिन हुआ क्या है सर? क्या हुआ सर? अब क्या हुआ है सर? एक मिनट सर, हुआ तो लेकिन सर, अब सुन सर, सुनिए सर, बात अब है सर, फिर से उसको लिख। कल शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कहा था सर। मेरे लिखने से क्या होगा, आपको जो सोचना है वो तो आप सोचोगे, तो आप ही लिख लो। सुधार कर जाके तो सुधरा नहीं, पक्का क्रिमिनल बन गया। साहब मेरे को बिना सबूत के क्रिमिनल मत बोलो आप। अच्छा क्यों परेशान कर रहे हो सर, जाने दो ना, मेरे बाबा का बीपी हाई रहता है, अभी मैं नहीं जाऊंगा तो कुड़ेंगे बाप फालतू। जब बच्चा तेरे जैसा होगा तो बाप बेचारा करेगा क्या? पहले तो तू 18 से कम था, इसके लिए रेप करके भी 3 साल में बाहर आ गया, लेकिन अब की बार तो तू ना मैंने पहले कुछ किया था ना मैंने अब कुछ किया। पहले भी तूने उस लड़की की जिंदगी बर्बाद की है, और अब तू दुश्मन ही निकाल रहा है क्योंकि उसकी वजह से। मैंने कुछ नहीं किया है सर, ऐसे नहीं मानेगा इसे। नेहा को यहाँ से बाहर निकालो प्लीज, कोई है प्लीज, जाने दो मुझे यहाँ से। साहब मैं अपने पुराने दोस्तों के टच में, और फिर तो वो दुश्मन थी, अब क्या दुश्मनी निकाली उससे? नेहा के पेरेंट्स का कहना है कि तुमने नेहा को किडनैप किया। साहब वो लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ठीक है जाओ। सर आपने उसे जाने क्यों दिया? गौतम इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड और नेहा के पेरेंट्स के शक के बेसिस पे उनसे सख्ती नहीं कर सकते। इसके और नेहा के कॉल रिकॉर्ड नकल देखो, कल इसके और नेहा के फोन की लोकेशन सेम थी। देखने देखाने से कुछ नहीं होगा साहब, खा लो दौड़ो उसकी फिर उगलेगा। मेरी बेटी नेहा के साथ क्या किया उस कमीने ने? अब एक झूठे इल्जाम ने पहले से ही उसकी सारी हंसी खुशी छीन ली, अब एक और इल्जाम लगा के उसकी जिंदगी क्यों? अबे कल रात कहाँ था? ऑफिस से आने के बाद घर पर ही था। कितने बजे आता है ऑफिस से? वो इंश्योरेंस ऑफिस में काम करता है, हर रोज 8 बजे आ जाता है, लेकिन कल तकरीबन 11:30-12 बजे आया था। ठीक है सर, अभय तो कल शाम 7 बजे ही ऑफिस से निकल गया था। अब बोल झूठा कौन है? अगर मेरी बेटी के साथ कुछ हुआ ना तो तुम लोग को सरेआम। साहब जल्दी से मेरी बेटी का पता लगाइए, छोड़ूंगा नहीं देखूंगा। मिलिन जी अपने बेटे की गवाही देने से पहले उसकी जिंदगी के गवाह तो बनी, आपको पता ही नहीं कि आपका बेटा क्या बोल के कहां जाता है और क्या करता है। गौतम अबे को बुलाओ। सर आपका बॉक्स। और हाँ शाम को घर जल्दी आना। आई विल ट्राई। बाय बाय बाय। सर ये लोग क्या कह रहे हैं, तू कल शाम को ही ऑफिस से निकल गया था? हाँ बाबा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं कोई गुनाह कर रहा था। ये लीजिए टिकट, चर्च गेट से दादर, दादर से चर्च गेट, और फिर चर्च गेट से बांद्रा। ये यहाँ से वहाँ कर क्या रहा था तू? अपने साये से भाग रहा था, कमीना पीछा ही नहीं छोड़ रहा। जो जुर्म नहीं किया उसके लिए सुधारा गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सुधार के लिए जाने के बावजूद मुझे बिगड़ा हुआ समझा जाता। अब आपको सबूत मिल गए, हम लोग जाएं? ठीक है जाइए। सर ये इसकी चाल है, हो सकता है कि ये टिकट्स इसके लिए किसी और ने खरीदे। टिकट काउंटर का सीसीटीवी फुटेज मंगवा। सर अबे अभी शक के दायरे में था, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के प्रश्न चिन्ह के नीचे वो एक डॉट की तरह से था, पर दूर से देखने वालों की नजर में तो सिर्फ प्रश्न चिन्ह ही आता है। पर उसके पिता को उम्मीद थी कि अबे जब कुछ बड़ा कर दिखाएगा तो ये डॉट गाढ़ा और वो प्रश्न चिन्ह फीका पड़ जाएगा, लेकिन अबे तो अच्छाई और बुराई का
कोई और ही इम्तिहान देने पर मजबूर था। आज नहीं रिमा, सॉरी यार, एक्चुअली बाबा को कहीं जाना पड़ा ना, इसलिए कल मिलवा दूंगा पक्का। नहीं, और कोई नहीं रहता हमारे साथ। हाँ कल पक्का, श्योर, चल बाय, लव यू। गर्लफ्रेंड थी मेरी। ये क्यों बोला कि घर पे कोई नहीं? क्योंकि मैंने उससे बोल रखा है कि तू हमारे साथ नहीं रहता, जब वो यहां आए तो तू बाहर चले जाना। अरे अबे, अरे कहां जा रहा है, सुन। चर्चगेट की सीसीटीवी फुटेज और अभय के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया, पता चला अभय ने चर्चगेट से 7:15 दादर की रिटर्न टिकट निकाली। वो दादर आया और लौट गया। उसके बाद 8:30 उसने बैंड्रा की रिटर्न टिकट निकाली, लेकिन वो दादर उतर गया और 9-10 तक वो दादर के रेलवे कॉलोनी में था। मतलब उसने टिकट बैंड्रा की निकाली और वो दादर उतर गया। इसके अलावा 9:30 तक नेहा अपने फ्रेंड्स के साथ दादर मार्केट में थी। उसके बाद उसे किडनैप किया गया और उसे ठिकाने लगा के अभय ने 11:00 चर्च गेट से दादर की टिकट निकाली। गौतम, ये अभय में जैसा दिखा रहा है ना, वैसा ये है नहीं। जिस मार्केट में नेहा अपनी फ्रेंड्स के साथ थी, वहां से नेहा के घर तक सब जगह छानबीन करो, हो सकता है कोई विटनेस मिले। सर अभी तो नहीं, पर कुछ दिन पहले मैंने अभय के पास एक चाकू देखी थी सर। हेलो, मैं नेहा मिसिंग केस में पूछताछ कर रहा था तो मोहल्ले में एक आदमी ने कहा कि उसने अभय को एक तेज नुकीले चाकू के साथ देखा था और इसका गला भी ऐसे ही एक तेज नुकीले चाकू से ही काटा गया है। दादर रेलवे कॉलोनी में रहता है, आपके मॉल में। अपने घर के आसपास कभी इसको देखा? सर चेहरा तो देखा देखा सा लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा सर। आस पड़ोस में पता करो इसको किसी ने देखा है क्या, और ये भी पता लगाओ कि इसके मोबाइल की आज की लोकेशन कहीं इसी मोहल्ले की तो नहीं है। सर नहीं, प्लीज जाने दो मुझे यहाँ से, प्लीज मुझे छोड़ दो। कहाँ गया था? अरे कम से कम फोन तो लेके जाना चाहिए था, कितनी टेंशन हो रही थी। अरे टेंशन लेना तो इसकी आदत है बाबा, 3 जेल में था तभी टेंशन, अभी छूट के आ गया तभी टेंशन। देख बात सुन, मुझे नहीं पता कि तूने नेहा का रेप किया है कि नहीं किया, लेकिन अगर तूने उसे किडनैप किया है तो फिर हमसे नाता तोड़ ले, समझा? अरे सुन, कहां जा रहा है फिर से, सुन तो। मैंने अभय के कॉल रिकॉर्ड्स को रीचेक किया। मर्डर से पहले सुजाता के नंबर पे अभय के नंबर से फोन हुआ था। इसके अलावा मर्डर से एक दिन पहले सुजाता के नेबर्स ने अभय को सुजाता के घर जाते हुए भी देखा था।
सर सुजाता से मिलने एक इंश्योरेंस एजेंट आया था। रात को सुजाता ने पॉलिसी के बारे में मुझे बताया था। हाँ मैंने फोन किया था, उसने अपॉइंटमेंट दी और तभी मैं उसके घर गया था। मतलब पॉलिसी बेचने के बहाने तूने उसके घर की रेकी की और अगले दिन जाके उसका मर्डर कर दिया। साहब मैं क्यों उसका मर्डर करूंगा, वो तो पॉलिसी खरीदने वाली थी मेरी। पॉलिसी तो तुझे बेचनी ही नहीं थी, तुझे उसके घर से कैश और जेवर लूटने थे। बता कहाँ है लूट का माल? क्यों परेशान कर रहे हो साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा लेकिन तू तो चाकू लेके घूमता है, तेरे मोहल्ले में लोगों ने तुझे चाकू के साथ देखा है, उसी चाकू से गला काटाना सुजाता का। साहब चाकू लोग भाजी तरकारी काटने के लिए भी खरीदते हैं। खरीदा था कहाँ से? दुकान से नहीं, साइकिल पे धार मारने वाले से खरीदा था। बहुत शाना समझता है ना तू खुद को। हाँ साहब हिंदुस्तान में रोज क्राइम होते हैं, आपके हर क्राइम का इल्जाम मुझ पे लगेगा क्या? बोल बच्चन बनकर, सीधे सीधे बता वरना हमारे पास और तरीका है उगलवाने के। सीधा सीधा आप ही बोल दो ना साहब, मर्डर के वक्त क्या किसी ने मेरे को सुजाता के घर के आसपास देखा था? क्या मेरे फोन की लोकेशन उस मोहल्ले की थी? फोन तो तू घर पे रख के आया होगा, जिस तरह तू ट्रेन का टिकट भी ले आया था। 8:30 बजे तू चर्च गेट से बैंड्रा के लिए निकलता है लेकिन दादर में उतर जाता है 9 बजे और 10 बजे तक तू वहीं रहता है। क्यों? उसी बीच नेहा भी किडनैप हो जाती है। साहब भूख लगी थी इसलिए दादर स्टेशन उतरा था, बाहर मंगूराम की दुकान है उधर अंडा भुर्जी खा रहा था, रोज खाता हूँ, आप पूछ भी सकते। तूने तो मंगूराम को भी पढ़ा रखा होगा। अब लगता है आपको ना मेरे को मार के बात करनी है, मार लो मगर मैं जो बोल चुका हूँ वही सच है। देखो भाई पिछली बार तेरे साथ इंसाफ हुआ या ना इंसाफी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सबूत तेरे खिलाफ था। लेकिन सर सबूत अब तो मेरे खिलाफ नहीं है, फिर भी ना इंसाफी हो रही है। तू क्या सोचता है रे, तेरी चालाकी हम समझते नहीं है? अगर हम चाहें तो 10 मिनट में तुझसे सब उगलवा सकते, लेकिन हमें तेरे बाप की चिंता है। अगर इस बार तू अंदर गया तो तेरे बाप का क्या होगा? सोच, अपने बाप के बारे में सोच, सच बोलता। नेहा के बाप से बात करके तुम्हारी सुलह करवा दूंगा, केस नहीं बनाऊंगा। सर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं, मैं अकेला आदमी, मैं कैसे किसी का अकेला किडनैप कर सकता हूँ, कैसे किसी का घर लूट सकता हूँ अकेले, और कैसे किसी का मर्डर कर दूंगा मैं? ठीक जा। अपनी सफाई में एक इशारा खुद देकर गया ये। पता लगा ऐसा कौन हो सकता है जो इसका साथ दे रहा और ये एक के बाद एक अपराध को अंजाम दे रहा। सना और किरण इन दोनों को अभय के फोन से अक्सर फोन होते थे, मैंने इनका बैकग्राउंड चेक किया। किरण अभय को माटुंगा के सुधार गृह में मिला था और सना पुना में। ये किरण और सना एक दूसरे को पहले से जानते और इन तीनों की दोस्ती हो गई। इन दोनों ने क्या क्राइम किया था? सना 3 साल पहले मलाड़ के सीव्यू लॉज से प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में पकड़ी गई थी। किरण ने रैश ड्राइविंग करते हुए एक बुजुर्ग को गाड़ी ठोक दी थी जिसमें उनकी मौत हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तीनों ने सुधार गृह से निकलने के बाद गैंग बना लिया हो? अभय का बदला लेने के लिए अभय और उसके दोस्तों ने पहले नेहा की किडनैपिंग की और अब ये सुजाता का मर्डर और लूट। वो चाहे जितनी चालाकी कर ले, लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती उनकी पूरी प्लानिंग का चिट्ठा खोल सकती है। अब तो सुनने में आया किडनैपर और खूनी भी बन गया है। पता नहीं कैसे संस्कार दिए इसने अपने बेटे को, पूरी कॉलोनी का नाम बदनाम करके रखा है। पता नहीं कैसे संस्कार दिए इसने अपने बेटे को, पूरी कॉलोनी का नाम बदनाम करके रखा है। बेटा कौशिक आ गया तू? बाबा आपको कभी पीते हुए नहीं देखा, कभी नहीं जब आई गुजरी थी। तेरी आई जब गुजरी थी ना तब मैं इतना टूटा नहीं था, लेकिन आज पुलिस कहती है मैं जानता हूं अभय के साथ नाइंसाफी होने के कारण उसके अंदर गुस्सा पनप रहा होगा और इसी की वजह से वो बदले की भावना में जल रहा होगा। उसने सच में तो कौशिक अभय हमारे हाथ से निकल गया या फिर वो पहले से ही ऐसा था। बाबा अभय क्रिमिनल नहीं है। लेकिन तू तो बाबा मैं इसलिए गुस्सा नहीं होता कि वो गलत है, बल्कि उसे इसलिए कोसता हूं
कि उसके साथ हुई एक नाइंसाफी की वजह से समाज ने हमें भी कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। बाबा अभय कल भी निर्दोष था और अब भी निर्दोष है, आप प्लीज इस भरोसे को टूटने मत दो बाबा। अभय के पिता का भरोसा टूट रहा था, भाई का अपना एक तर्क था और पुलिस के अपने कुछ मापदंड, लेकिन अभय का नजरिया क्या था? इस लेकिन का जवाब इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला था। अभी और कई अपराध अभय की छवि का प्रश्न चिन्ह और भी ज्यादा गाढ़ा करने वाले थे। आप चाहो तो पता कर लो। सुजाता के मर्डर वाले दिन ही नहीं, 7 सितंबर की रात को कहाँ था ये भी बता। तब मैं अपने घर में थी। उसने तो वो क्राइम भी नहीं किया था जिसकी उसे सजा मिली थी। तो उसी की बढ़ाई हुई पट्टी बोल रहा है। ना वो दोषी था और ना ही वो किसी और अपराध में दोषी हो सकता है। इन दोनों की फोन लोकेशन क्राइम सीन से मैच नहीं करते, लेकिन इन पर अभय पे यकीन भी तो किया नहीं जा सकता। ऐसा करो, इनकी एलिबाई चेक करो, दोनों के बैकग्राउंड अच्छे से खंगा लो, फिर तीनों को एक साथ आटे में लेते हैं। सर चलो। हटो 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 फिर ये साइड में जी। गौतम, नेहा की हत्या भी सुजाता की तरह किसी नुकीले चाकू से की गई। इसकी हालत देख के लगता है किसी ने गहरी दुश्मनी निकाली है इससे। मुझे लगता है जहां इसको कैद करके रखा होगा वहां से इसने भागने की कोशिश की, लेकिन अपनी जान नहीं बचा पाई। हो सकता है कि आसपास के इसी इलाके में कहीं उसको किडनैप करके रखा गया है। आसपास के सारे दुकान, गोडाउन, वेयरहाउसेस सब जगह पूछताछ। कहाँ तेरे बेटा? अरे हाँ, ये कमीने बाहर निकल, मेरी बेटी को मारा है। हाँ अरे अरे एक यार बाहर बाहर बेटी को मार, छोड़ छोड़ चल चल। अरे बाजार में नंगा सा चल, बहुत चेर भी चेर तेरे को। हाँ हीरो बनता है साले, बहुत साले को बड़ोगे मेरी बेटी को मारा इसने। छोड़ूंगा हट जाओ, मार दिया मैं, हट 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 दो भाई। बाबा 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 भाई 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 भाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नेहा की हत्या से पहले उसके साथ एक बार नहीं कई बार दरिंदगी के साथ रेप किया गया। बॉडी पे प्राइवेट पार्ट्स पे इंजरी मार्क्स, पैर की हड्डी भी टूटी हुई है। मतलब सिर्फ रेप ही नहीं किया गया, उसके साथ दिल खोल के दुश्मनी निकाली गई। पर इस अभय के अलावा कोई नजर भी नहीं आ रहा। कुछ पता चला नेहा को किडनैप करके कहाँ रखा गया था? आसपास पूछताछ चल रही है, होपफुली जल्दी कुछ पता चल जाए। सर सर बाहर प्रिया नाम की लड़की आई है जो अभय के बारे में कुछ बताना चाहती है। सर मैं अभय के एरिया में ही रहती हूँ। 3 साल पहले तक वो मेरा अच्छा दोस्त हुआ करता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने नेहा का रेप किया है तो मुझे उससे नफरत हो गई। जेल से छूटने के बाद जब वो मुझसे मिला तो मुझे लगा शायद वो सुधर गया होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। प्रिया जो कुछ भी कहना चाहती हो साफ साफ कहो। सर वो निर्दोष नहीं था और ना ही उसे अपने किए का पछतावा था, बल्कि वो तो बदले की आग में जल रहा था। सरकार ने तुझे छोड़ दिया पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी तो मजाक था। वो तब सिर्फ इसलिए रुका क्योंकि उसे नेहा को और बड़ी सजा देनी थी और उसने दी।
पहले नेहा को किडनैप किया और फिर उसे जान से मार दिया। तुमने देखा उसे किडनैप करते हुए या मारते हुए? नहीं सर, मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ उसने अपनी नफरत की कहानी खुद मुझे सुनाई। तुझे जितना कोसना है तू कोस ले, लेकिन अब मैं वही करूंगा जो मुझे करना है, समझी? और उसने वही किया, उसके अंदर हैवान पनप रहा था। ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? सर अगर बताती तो वो मेरा भी वही हाल करता जो नेहा का किया। अब उसने सारी हदें तोड़ दी है और वो मुझे कभी भी खत्म कर सकता है, क्योंकि उसका ये राज सिर्फ मैं ही जानती हूँ। बेटा तू आराम कर, आराम से लेट जा, मैं तेरे लिए कुछ दवाइयां और फल लेके आता हूँ, ठीक? हेलो, कहाँ है? सर अभी तो यही था। अस्पताल के अंदर बाहर हर जगह चेक करो जल्दी। यस सर। हमसे होशियारी मत करना, बोलो कहाँ है वो? सर वो निर्दोष है। निर्दोष है तो भागा क्यों? सर वो डर के कारण भाग गया होगा। वो भागा नहीं है, तुम बाप बेटे ने मिलकर उसको कहीं छुपाया है, बोलो कहाँ है? सर हमें नहीं पता वो कहाँ है, आप प्लीज उस पर झूठे एलिगेशन लगा के आप उसकी जिंदगी। छठे हुए बदमाशों से मिलना जुलना है अभय का, अब भूल जाओ कि बेटे और भाई का साथ नसीब होगा, रेप मर्डर लूट इन सब चार्जेस में जिंदगी भर जेल में सड़ेगा वो। सर एक नंबर सामने आया है किसी उद्देश्य का, इस नंबर की लोकेशन नेहा की किडनैपिंग और सुजाता के मर्डर के लोकेशन के साथ मैच करती है। इस आदमी का एक गोडाउन भी है उस एरिया में जहां पे नेहा की लाश मिली थी। उद्देश्य? जी सर, पर ये गोडाउन कुछ दिनों से बंद भी है। लेट्स गो। सर उद्देश्य का गोडाउन ये ताला तोड़ो। लाइट लगाओ। सर इसका मतलब नेहा को किडनैप करके यहीं रखा गया था, फॉरेंसिक को भेजो। सर 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 आइए सर उधर देखिए। सर बॉडी गोडाउन के अंदर अवधेश की है, मैंने इसका बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला चोरी लूट और छेड़छाड़ के मामलों में कई बार ये जेल जा चुका है। खबरियों से ये भी पता चला है कि पिछले कुछ सालों में सुधार गृह से छूटे बच्चों को लालच देकर अपने गिरोह में शामिल कर लेता है। मतलब अभय किरण और सना भी इसके साथ हो सकता है। सुजाता के मर्डर और नेहा की किडनैपिंग के दिन इसके फोन पे कई बार 10-10, 12-12 सेकंड के कई कॉल आए थे, पर ये कॉल्स किसी चोरी के सिम से किए गए। मतलब इस नंबर से अवधेश को लगातार अपडेट्स दिए जा रहे थे और ये कॉल्स और कोई नहीं उसी की गैंग के क्रिमिनल बच्चे कर रहे होंगे। साहब मेरी बेटी प्रिया को बचा लो साहब, नेहा की तरह उसे भी किडनैप कर लिया है साहब। क्या? हाँ साहब, तो मैंने उसे समझाया था कि अभय के खिलाफ ना बोले, वो नहीं मानी साहब, इसलिए अभय ने उसे भी उठा लिया साहब। साहब बचा लो साहब उसे। ओके ठीक है सर, वो चोरी के सिम वाला नंबर एक्टिव हो गया। Thank you.
आज तो मजा आ गया। अच्छा बहुत मजा आया। नेहा को मैंने और मेरे दोस्त ने किडनैप किया था। उसकी दुश्मन मेरी दुश्मन। अभय पे झूठा इल्जाम लगाया था उसने। प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज नहीं लेकिन और पति के जाने के बाद वो अकेली रहती है। उस्ताद के गैंग के साथ वहां लूट की थी हमने। लेकिन सना और अभय इनका इसमें कोई हाथ नहीं है, वो निर्दोष है सर। अभी अभी बता दे प्रिया को कहाँ किडनैप करके रखा है। कौन प्रिया सर? अच्छा अब भाई किस दुश्मन को नहीं जानता सब? मुझे नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूँ, प्रिया कहाँ है? बोल शुक्रिया। सब मुझे नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूँ, प्रिया कहाँ है? बोल शुक्रिया। मेरी बच्ची को मार दिया। अरे मेरी बच्ची प्रिया। अरे मेरी बेटी। अरे गुड़िया मेरी। उस कभी ने नहीं मेरी बेटी को भी नहीं छोड़ा। सिर्फ प्रिया के मर्डर में नहीं, नेहा, सुजाता, उदेश, हर क्राइम में अभय ने किरण का साथ दिया है और ये किरण अब उसे बचा रहा है। लेकिन अब अभय ने अपने लिए गड्ढे खोद लिए। जब प्रिया लापता हुई तो उसके फोन की लास्ट लोकेशन इसी एरिया की थी। उसकी लाश भी हमें इसी एरिया में मिली। इसका मतलब है कि अभय हॉस्पिटल से प्रिया को किडनैप करने नहीं, उसे मारने के लिए भागा था। इस अभय को ढूंढो, अपने साये से भागने की दलीलें दे रहा था ना, लेकिन उसने खुद को अपने ही साये में दफन कर लिया था। पुलिस को अभय की तलाश थी, लेकिन उसके भाई और पिता इस दुविधा में थे कि कहीं सामने आने वाला सच उनकी उम्मीद ना तोड़ते। और इसी बीच प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसकी हत्या दम घुटने से हुई। प्रिया के गायब होने का समय और प्रिया की मौत का समय भी मैच करता है। प्रिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके बॉडी पे और प्राइवेट पार्ट्स पे कई इंजुरी मार्क्स हैं जो काफी पुराने हैं। हो सकता है कि पिछले कई महीनों से उसके साथ रेप हो रहा हो। साबित जरूर अभय कर रहा होगा। हाँ सर। लेकिन प्रिया जब हमारे पास अभय की शिकायत लेकर आई तब उसने हमें ये क्यों नहीं बताया? शायद शर्म और अभय की डर की वजह से वो चुप रही होगी साहब। और उस कमीने ने मेरी बच्ची को हमेशा के लिए चुप करा दिया साहब। उस अभय ने एक बार मेरी जान लेने की भी कोशिश की थी। तो क्या छोड़ूंगा नहीं तेरे को। पता नहीं साहब उसे अचानक क्या हुआ, चाकू वहीं पटक के चला गया। कब हुआ था ये? 16 सितंबर। हाँ हाँ साहब, शायद यही तारीख। अभय 16 तारीख को प्रिया के बाप नरेश को मारने गया, लेकिन उसने मारा नहीं। अब जिस दिन जिस आदमी ने अभय के हाथ में चाकू देखा था उस दिन को भी अगर हम 16 तारीख मान लें, सुजाता का मर्डर 16 तारीख को हुआ। बेरहमी से उसकी गला काट के हत्या कर दी गई, लेकिन प्रिया के बाप नरेश के साथ रहम दिखाया गया।
सवाल ये उठता है कि अगर अभय ने नरेश को मारने की ठान ली थी तो वो कत्ल करने से कतराया क्यों? मतलब आप किरण के बयान को सही मानते हैं, नेहा और सुजाता के मर्डर में अभय का हाथ नहीं है, लेकिन प्रिया उसका मर्डर और अभय का फरार हो जाएगा। सर इस कहानी में लेकिन का संदेह अब भी खड़ा है। गौतम, लेकिन का संदेह तो प्रिया के बाप नरेश के बयान में भी है। पहले उसने कहा कि उसने अपना मुंह अभय के डर से नहीं खोला, लेकिन बाद में उसने ये भी कहा कि अभय उससे डर गया और उसे बिना मारे चला गया। इस राज से तो पर्दा तभी उठेगा जब ये अभय हमारे हाथ लगेगा। सर अभी कुछ देर पहले अभय का फोन ऑन हुआ और उसने अपने बाप को फोन किया। साबित करके दिखा कि तो इंसान है या जानवर ही था। अपने साये से भागना इतना आसान नहीं है। सही बोले साहब, मेरी तकदीर में ही था क्रिमिनल बनना। जो क्राइम किया नहीं उसकी सजा काटते काटते मैं भी क्रिमिनल बन गया। तो तू मानता है कि नेहा की किडनैपिंग, सुजाता का मर्डर और प्रिया का? आपके इन्हीं आरोपों की वजह से प्रिया मेरे को आरोपी मानने लगी थी, लेकिन सच सच नहीं देखा कभी किसी ने। नहीं पापा। अरे नहीं, मेरे को गुस्सा मत कर, समझे ना? पहले तेरे को मारा था ना, देख 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 ये देख, काटा काटा था, काटा था। और मारो मारो कुछ बोल, लेगा मेरा बदला? प्रिया मैं, हाँ या ना? तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मैं किसी को नहीं मार सकता हूँ। तो तू ये चाहता है कि वो रोज मुझे नोचता रहे और अपनी हवस का शिकार बनाता रहे? तूने पुलिस को झूठ बोला सिर्फ इसलिए कि मैंने तेरे बाप का मर्डर नहीं किया। तूने जानबूझ के नहीं मारा क्योंकि तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो मेरा जिस्म नोचे या गला घोटे। तुझमें अपने बाप के खिलाफ तो सच बोलने की हिम्मत हुई नहीं, लेकिन मेरे बारे में झूठ बोल दिया तूने। हाँ, तू क्रिमिनल होके मुझे अपनाना नहीं चाहता, फिर कोई भला आदमी मुझे कैसे अपनाएगा? क्रिमिनल तू बना रही थी मुझे अपने बाप का मर्डर करवाकर। तू नेहा का रेप करके उसका मर्डर कर सकता है, एक औरत का गला काटकर उसका घर लूट सकता है, और एक राक्षस को मारने में तेरा हाथ कांपने लग गए। तुम्हें अच्छे से मालूम है मैंने नेहा का रेप नहीं किया। मैं गलत सोचती थी, लेकिन असलियत यही है कि तू एक रेपिस्ट, एक खूनी है। प्रिया चुप रह, चिल्ला मत, तू एक रेपिस्ट, एक खूनी है, और ये ठीक ठीक है, मैं सबको बोलूंगी और तेरा सच सबके सामने लाऊंगी, देख लेना। कहते हैं कि बद अच्छा बदनाम बुरा, अभय भी बदनाम ही था, लेकिन अगर कोई बदनाम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा भी हो। जिंदगी बदलने का मौका हर किसी को मिलना चाहिए। अगर कोई गिरकर संभलने की कोशिश कर रहा हो तो भले ही हम अपना हाथ देकर उसकी मदद ना करें, लेकिन कम से कम उसे वापस धक्का तो ना दें। अजीब औरत है, पहले मुझसे बोली कि बच्चे को गोमती के किनारे छोड़ देना, और अब बोल रही है बच्चे को मार दो। तो तू मार देगा इसको? वो तो छोड़, अभी बोलती है कि बच्चे का चेहरा इस कदर बिगाड़ दो कि उसे कोई पहचान ना सके। कहते हैं कि एक औरत के दिल में इतनी ममता, इतना प्यार छुपा होता है कि सारी दुनिया भी उसके लिए कम पड़ सकती है। लेकिन ये कैसी औरत थी जिसने पहले तो एक मासूम बच्चे को अगवा करने की सुपारी दी और फिर उसे मार डालने को कहा? आखिर कौन था ये बच्चा और उसकी दहशत भरी आंखें हमें कौन सा सच कहना चाह रही थी? आइए पहले देखते हैं कि इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी।
असलम हुसैन अफसा अहमद के साथ 5,000 मेहर, आपके साथ निकाह कबूल है? जी कबूल है। बेटा हमें बड़ा अफसोस है कि हम अपनी इकलौती बेटी की शादी धूमधाम से ना कर सके। हमें खुद भी इस बात का बहुत अफसोस है कि अफसा से हमारा यह निकाह इतनी सादगी से करना पड़ रहा है। अब आप तो इसकी वजह जानते ही हैं, अगर अचानक हमारी खाला जान का इंतकाल ना हुआ होता तो आज बात ही कुछ और होती। बेटा परवरदिगार की मर्जी के आगे किसकी चलती है, लेकिन बेटा अफसा का ख्याल रखना। जी बिल्कुल। खुशामदीद, सुभान अल्लाह, नजर ना लगे इस जोड़े को, कब से हम राहें बिछाए आपके आने का इंतजार कर रहे थे। आइए अंदर आइए। चाचा हमारे लिए क्या लाए? आपके लिए, आपके लिए हम लाए हैं बहुत ही प्यारी सी दुल्हन चाची। अच्छी लग रही है आप लोग, तो सलाम करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे घर के छोटे शहजादे रिजवान। आइए अंदर आइए। आइए, आप पूछे किस क्लास में पढ़ते हैं ये? अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फर्स्ट। अरे वाह। और ये फर्स्ट लाते हैं फर्स्ट में, है ना? और हर चीज में फर्स्ट है ये, शरारत में भी, है ना? ये हमारे मरहूम शौहर हैं, कश्मीर में टेररिस्ट के साथ हुई मुठभेड़ में ये शहीद हो गए। आई एम सो सॉरी भाभी, हम मुआफी चाहते हैं। खाला जान के गुजर जाने के गम में हम आपके निकाह में शरीक ना हो सके, मगर एक बात का बहुत यकीन है हमें, अब आप आ गई हैं तो एक एक करके हम सारे गम भूल जाएंगे। अरे आइए, वो आपके जहेज का सामान बिखरा पड़ा था ना, तो हमने सोचा सलीके से रखने में आपकी मदद कर दे। जी भाभी, लेकिन आप क्यों, हम कर लेते ना। बैठिए, कैसी बातें करती हैं आप। अरे हमारे घर की नई नवेली दुल्हन है आप, और आपके लिए हम इतना भी नहीं कर सकते, ये तो हमारा फर्ज है। वैसे भाभी, हमारी अम्मी ने हमारे लिए ये जहेज बहुत प्यार से संजोया है। I'm sorry भाभी। ये सब मेरी माँ ने मेरे जहेज के लिए बनाया। बहुत कीमती होंगे ये सब। जी भाभी। बहुत ही खूबसूरत है। वैसे उन्होंने आपके लिए भी एक तोहफा भेजा है। हाँ? अच्छा, हमारे लिए भी गिफ्ट? जी आपके लिए, हम आपको अभी दिखाते हैं, आपको जरूर पसंद आएगा। ये देखिए, ये आपके लिए भेजी है। आपको साड़ी पसंद आई? हाँ ठीक ही है, विवाह औरतों को सफेद और हल्के रंग ही दिए जाते हैं, मगर हकीकत एक और बात है कि हमारे खानदान में ऐसा कोई रिवाज नहीं है। भाभी आप हमारे कोई भी सूट या फिर साड़ी ले सकती है, आपको जो पसंद है। ये देखिए, ये भी आपको अच्छी लगेगी। हाँ ये बहुत प्यारी है, सच कहे तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी और आपकी खूब निभेगी। जी बिल्कुल। माशाल्लाह क्या लग रही हैं आप। अरे ऐसे क्यों शर्मा रही हैं आप? लाए बैग हमें दे असलम। लीजिए। भाई आजकल तो हमें इस बात का डर लगा रहता है कहीं आपको हमारी नजर न लग जाए। सच कह रहा हूँ। असलम आप बैठे, हम आपके लिए चाय लाते हैं। बेशक। वो हमारी आदत है ना, आप नहीं थी तो चाय हम ही बनाया करते थे असलमिया के लिए। हम देखकर आते हैं, वो बहुत थक गए होंगे।
सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम भाभी, क्या बात है, बहुत खूब गर्मा गर्म चाय। हाँ, एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त अकेले बिताना चाहती है और अफशा भी यही चाहती थी और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन इस तरह बार बार सलमा का उन दोनों के बीच आना अफशा को थोड़ा खल रहा था। जो स्पेस और प्राइवेसी उसे अपने ससुराल में मिलनी चाहिए थी वो अफशा को नहीं मिल रही थी, पर इसकी वजह क्या थी और आखिर क्या चल रहा था अफशा के ससुराल में? असलम, हम मजाक कर रहे थे, हम मजाक कर रहे थे। असलम असलम, हम गिर जाएंगे। आप तब तक नहीं गिरेंगे जब तक आप हमारी बाहों में। अच्छा, हाँ। और अगर गिर गए तो? आप गिर गए तो हम भी आपके साथ गिर जाएंगे। अब जा कहाँ रही हैं आप इधर आए। असलम जरा इधर आइए। सलमा भाभी नहीं आई नाश्ता करने के लिए? अब हमें कैसे पता होगा कि क्यों नहीं आई? आप ही क्यों नहीं पूछ लेती जाकर? हमने पूछा था पर हमें कोई जवाब नहीं दिया। सुबह से उनका दरवाजा भी बंद है, कोई बात है क्या? भाभी, भाभी क्या ड्रामेबाजी कर रही हैं आप? आखिर आप चाहती क्या है? किस बात की बेसब्री है आपको? क्यों इतनी जल्दी मचा रखी हैं आप? अच्छा, तो अब आप भी हमसे ऊंची आवाज में बात करने लगे? कोई खतरा नहीं आपकी, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। जो शख्स बार बार अपनी किस्मत को कोसता है ना, उसकी किस्मत भी उसका साथ नहीं देती, समझिए आप। असलम मियां, ये जुमलेबाजी किसी और को सुनाइएगा, हमें नहीं। आपसे तो बात करना ही फिजूल है, हमेशा तो आपका पारा साथ में आसमान पर नजर आता है। असलम मियां, कहे असलम क्या हुआ? ये अफसा, दरअसल बात यह है कि भाभी का मूड बिना वजह कभी कभी खराब होता है, इसलिए आप परेशान मत होइए, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। हम ऑफिस के लिए लेट होने से चलो, ठीक है? एक मिनट असलम, हमें भी कुछ शॉपिंग करनी थी, हम आपके साथ मार्केट चले? ठीक है, चलिए। सलमा भाभी कह रही थी कि उनके शौहर आर्मी में थे, शहीद हो गए। हाँ, तो क्या वो सारी जिंदगी हमारे साथ में रहेंगी? सलमा भाभी हमारे बड़े भाई की बेवा है, एक बच्चा है उनका, वो हमारे साथ नहीं रहेंगी तो कहाँ रहेंगी? तो आप नाराज क्यों हो रहे हैं इस बात पे? अरे एक तो आप गुस्सा दिलाने वाली बात कर रही हैं, ऊपर से आप कह रही हैं हम नाराज क्यों हो रहे हैं। अरे ये बात सोची भी कैसे? एक बात कहें आपसे, हमें ऐसा लगता है कि उनको ना हमारी खुशियों से जलन होती है, वो जलती है हमसे। अरे जब भी हम आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, किसी न किसी बहाने से वो हमारे बीच में आ जाती है। हमारी मानिए तो उनका दूसरा निकाह कर दीजिए, रिजवान या तो उनके साथ में रह लेगा, नहीं तो उसका हम दाखिला किसी बोर्डिंग स्कूल में करा देंगे। रिजवान कहीं नहीं जाएगा, समझ गई आप? सलमा भाभी और रिजवान हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं और हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। हाँ, आपको अगर उनके साथ रहने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप जा सकती हैं अपने मायके, जाकर आराम से रहिए आप। हो गई आपकी शॉपिंग? हो गई, अब हम ऑफिस जाएं? और आप घर जाने की तकलीफ उठाएंगी? प्लीज। सलमा भाभी का उनके साथ रहना और बार बार उनकी जिंदगी में दखल देना अफशा को बहुत नागवार गुजरने लगा। अफशा तो ये महसूस कर रही थी, लेकिन असलम को ये सब कुछ भी अटपटा नहीं लग रहा था। और जब अफशा ने इस बारे में खुलकर असलम से बात की तो असलम ने उसे ही छिड़क दिया। रंजिशें और आपसी झगड़े बढ़ते गए और फिर हालात बद से बदतर हो गए। सलमा भाभी और रिजवान हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हैं,
और हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। हाँ, आपको अगर उनके साथ रहने में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप जा सकती हैं अपने मायके, जाकर आराम से रहिए। आप भाभी, भाभी, भाभी पौने दो बज गए, आप अभी तक रिजवान को लेने बस स्टॉप नहीं गई? आज हमारा जी कुछ ठीक नहीं लग रहा है और घड़ी पे नजर भी नहीं गई हमारी। ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं जाके रिजवान को ले आती हूँ। भाभी, अब आप चुप भी करेंगी? आपको अल्लाह का वास्ता, अरे हम पूरी कोशिश तो कर रहे हैं ना रिजवान का पता लगाने के लिए, जो कुछ भी हो सकता है। कम से कम रोना धोना तो बंद करिए आप। हेलो, असलम हुसैन। हाँ, असलम हुसैन बोल रहा हूँ। तुम्हारा रिजवान हमारी कैद में है। अपने बच्चे का मासूम चेहरा दोबारा देखना चाहते हो तो उसकी कीमत सिर्फ 15 लाख रुपए। क्या क्या बेहूदा मजाक है? कौन बोल रहा है? सुना नहीं तूने? बच्चे की जान की कीमत सिर्फ 15 लाख। हेलो हेलो हेलो, अरे बोलेगा भी कोई? किसका फोन था बताइए ना इस्लामिया, किसका फोन था बताइए ना इस्लामिया। आप ही संभालिए अपने आप को, इससे रोने धोने से कोई मसला हल नहीं होने वाला। पर हमने आपसे पूछा ना, बताइए किसका फोन था? अरे कहर पर पाए हम पर, रिजवान को किसी ने किडनैप कर लिया है और कीमत रखी है 15 लाख रुपए और मोहलत है 24 घंटे की। सब ठीक हो जाएगा, संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। आप जाइए, जाइए पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाइए। पागल हो गई आप? हमारे बच्चे की जान लेना चाहती है? अगर हम लोग पुलिस में रिपोर्ट करेंगे तो वो लोग हमारे बच्चे की जान ले लेंगे। नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं करेगा, पुलिस ने हमें कह दिया ना, कोई रिपोर्ट नहीं करेगा। हम हमारे बच्चे को खोना नहीं चाहते हैं। आप किसी भी तरीके से रुपए का इंतजाम कीजिए, हमारे बच्चे को हमें ला दीजिए, हमारा बच्चा हमें दे दो। नहीं, हम अपने बच्चे को नहीं खोना चाहते। लेकिन भाभी, हम इतने रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? कहीं से भी इंतजाम कीजिए, लेकिन हमें कहाँ से लेकर आएंगे? हम कर्ज क्या कोई भीख भी नहीं देगा हमें? 15 लाख रुपए आप समझ रही है? 15 लाख हमारा तो दिमाग पड़ेगा, हमें कुछ समझ नहीं। हम अब्बू से बात करेंगे और वो हमारी मदद जरूर करेंगे। बेटा, बहुत दुख हुआ रिजवान के बारे में सुनकर। यह बढ़ते हुए जुर्म, ये इंसान की पैसों के लिए हवस, बेटे सब कयामत की निशानियां हैं। असलम मियां, ये लीजिए 15 लाख, ये रुपए लेके जाइए और रिजवान को सही सलामत लेके आइए। लीजिए बेटा, ले लीजिए असलम। अबू, हम बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे कि हम आपका इतना बड़ा एहसान कैसे उतार पाएंगे। अब सब बातें छोड़िए, आप पैसे लीजिए और जाके रिजवान को लेके आइए। रिजवान,
जहाँ हो वहीं रुक जाओ। पैसा लाया? रिजवान कहाँ है? बैग दे। पहले रिजवान को, वो जितना बोलता है करना। रिजवान कहाँ है? आ! छोड़ छोड़, पैसे दे, पैसे दे, पैसे दे, पैसे दे, दे, चल 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 पैसे दे, चल। रिजवान, असलम हुसैन, हमें इस केस के सिलसिले में तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। इंस्पेक्टर साहब, हमारे शौहर अभी इस हालत में नहीं है कि आपके किसी भी सवाल का जवाब दे सके। मेहरबानी करके आप लोग बाद में तशरीफ लाएं। ठीक है, चलो। सर, बच्चे की मैयत के शोक में सिर्फ परिवार के लोग हैं, आस पड़ोस का कोई दिख नहीं रहा है। मैं भी तो यही सोच रहा हूं। यूसुफ साहब, मैं समझ सकता हूं इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है, लेकिन कातिल और किडनैपर को पकड़ने के लिए हमें इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द शुरू करनी होगी। जी हाँ, हम समझ सकते हैं। बेटा, पुलिस को कुछ आपसे जरूरी बात करनी है। रिजवान का किडनैप हुआ और तुमने पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा? जी, हमें लगा कि अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो वो हमारे रिजवान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम तो ये समझ रहे थे कि वो पैसे ले लेंगे और हमारे रिजवान को रिहा कर देंगे। अच्छा, तुम काम क्या करते हो? नौकरी करते थे पर छोड़ दिया। एक रेस्टोरेंट देखा है हमने यही मार्केट में, उसी को लीज पर लेने का इरादा रखते हैं। काम तुम्हारे पास है नहीं, रेस्टोरेंट ले रहे हो वो भी लीज पे, लेकिन इतने बड़े घर में रहते हो? जी, भाड़े पर है। सिंह, जीप का नंबर ले लो। सर, मैं तुम्हारी भाभी सलमा से कुछ सवालात करना चाहूंगा। ये तस्वीर किसकी है? आप लोग के किसी रिश्तेदार की? ये हमारे शौहर है, मरहूम मोहम्मद हुसैन। कश्मीर में टेररिस्ट के साथ हुए मुठभेड़ में ये शहीद हो गए। I'm sorry. सलमा जी, मेरा मानना है कि कभी कभी जो हमें दिखाई देता है वो नजर का धोखा होता है। मुजरिम हमारी आंखों के सामने खड़ा होता है, लेकिन हम उसे देखते हुए भी पहचान नहीं पाते। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी कोई भी बात जो आपको याद आए या आप कुछ बताना चाहें तो आप हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा। जी, चलो। सिंह, यस सर, मुझे ये महमूद हसन वाला मामला समझ में नहीं आ रहा। क्यों सर? शहीद आर्मी अफसरों को सरकार उनकी बहादुरी के लिए मेडल्स और अवार्ड्स देती है, जिसे उनकी बीवियां बड़े गर्व से घर में सजा के रखती हैं। लेकिन सलमा के घर में सिवाय इस तस्वीर के हमें ऐसा कुछ मिला नहीं। सर, हो सकता है उसने अलमारी में संभाल के रखा हो। मेडल्स और अवार्ड्स अलमारी में? नहीं सिंह, मामला कुछ और ही है।
तस्वीर में लगा वो चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना था, कहीं तो देखा है मैंने। एक काम करूं, असलम के पड़ोसी से मिलकर उसके बारे में पूछताछ करूं। अफशा जी, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। तो कहिए। हमने आपको नहीं बताया कि हमारी नौकरी चली गई है। ये कब हुआ असलम? आज के दिन पूरे 2 हफ्ते हो गए। पर आप तो पिछले 2 हफ्तों से रोज जॉब पे जाते हैं। हम जॉब पर नहीं जाते हैं, पास ही में मार्केट में एक रेस्टोरेंट है, उसी को लीज पर लेना चाहते हैं। उसी सौदे की दौड़ भाग में मशगूल थे। आपको कुल कितने पैसे चाहिए? तकरीबन 11 लाख के करीब। 11 लाख? असलम, हम सोच रहे थे कि हम अपनी ज्वेलरी बेच देते हैं, उससे जो पैसे मिलेंगे वो आप ले लीजिएगा। अफशा कैसी बात कर रही हैं आप? हमने आपसे ये बात इसलिए बताई ताकि हमारे मन में कोई मलाल न रहे कि हम आपसे कुछ छुपा रहे हैं। हम इतने नहीं गिर सकते ना अफशा कि हम अपनी निगाहों में शर्मिंदगी महसूस करें। सर, उनके पड़ोसी उनके बारे में कुछ खास नहीं जानते, क्योंकि असलम और उनकी फैमिली 2-3 हफ्ते पहले ही उस मोहल्ले में रहने के लिए आए, और आस पड़ोस के लोगों से भी कोई खास जान पहचान नहीं है। जीप का रजिस्ट्रेशन नंबर? सर वो नंबर गलत निकला। सर हो सकता है उसने नंबर ठीक से देखा नहीं हो, या शायद सर ये भी हो सकता है कि उसने नंबर जानबूझकर गलत दिया। और वो फौजी अफसर महमूद हसन, उसके बारे में कुछ पता चला? सर मैंने आर्मी हेडक्वार्टर को लिख दिया है, 1-2 दिन में शायद जवाब आ जाए। भाभी, ये आप कैसे आलू छील रही हैं? आप तो ज्यादा से ज्यादा आलू बर्बाद कर रही हैं। तो अब आप सिखाएंगे हमें तौर तरीके, हाँ, कि घर कैसे चलाना है कैसे नहीं? हम कह नहीं रहे, आपको समझा रहे हैं। भाभी पैसे पेड़ पे तोड़ते नहीं है, हमारे शौहर की गाड़ी कमाई के पैसे हैं। शौहर? जी हमारे शौहर, एक बात मत भूलिएगा, इस घर पे आपसे ज्यादा हमारा हक है। हमारा क्या हो रहा है? असलम आप दोनों झगड़ के? असलम मियां हम झगड़ नहीं रहे, आपकी बीबी हम पे धौंस जमा रही है, और सच तो ये है कि एक तो चोरी, ऊपर से सीधा चोरी। चोरी? कौन सी चोरी? हाँ हाँ, चोरी की है आपने, जुल्म किया है हमारे ऊपर, हमारा सुख चैन सब छीन लिया है आपने, हमारी रिजवान की जान ली है आपने, और अब हमारी भी जान लेना चाहती है आप। सच यही है कि हमें अपने रास्ते से हटाना चाहती हैं आप, बस करिए आप। सलमा भाभी आपको जरा भी इल्म है कि आप क्या बोल रही हैं? हम सच कह रहे हैं असलम बाबू, सच कह रहे हैं। इसकी नजरों में हम आपके लिए बोझ हो चुके हैं। असलम, अपने अमीर बाप से रुपया दिलवाना, हमदर्दी जताना, ये सब ढोंगता इनका हमारे लिए। सच तो ये है कि अब हमारी भी जान लेना चाहती है घुट घुट के हम मर जाए। सलमा भाभी आप पागल हो गई हैं और कुछ नहीं है, आप पागल हो गई हैं। बस हुआ, सच कह रहे हैं, खुदा की वास्ते मेरी बात का यकीन कीजिए, इसी ने हमारे बच्चे की जान ली है, यही है वो जिम्मेदार। आप पागल हो चुकी हैं, पागल। नहीं हम सच कह रहे हैं असलम, ये हमारी बात सुनिए। सर किडनैपर ने जिस नंबर से असलम हुसैन को फोन किया वो प्रीपेड नंबर है सर, जाली डॉक्यूमेंट पे लिया गया होगा। और सर ये कि मैंने कई बार उस नंबर पे ट्राई किया लेकिन तभी से वो नंबर बंद आ रहा है, लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी सर, मैंने पता लगा लिया है, उस नंबर से शांति नगर में रहने वाले एक गुंडे को कई बार कॉल किया गया है। गुंडे को? जी सर। क्या नाम है उसका? पांड्या, और पुलिस रिकॉर्ड में पांड्या चक्कू के नाम से मशहूर है। आखिरी वार्निंग दे रहे हैं आपको, अगर दोबारा अफसा से कोई बदतमीजी की या इस तरह के घटिया इल्जाम लगाए तो क्या कर लेंगे आप बताइए ना, क्या कर लेंगे? हम देख रहे हैं जब से वो औरत आपकी जिंदगी में आई है आपको कोई और दिखती ही नहीं, इतनी फिकर पड़ी है ना, तो जाकर बैठ जाइए उसकी गोद में। अपनी बात बातें अपने पास रखिए, नहीं सुननी आपकी बात। सुननी? हाँ? हाथ छोड़िए हमारा। नहीं छोड़ेंगे। क्या हरकत है ये? हरकतों की बात मत कीजिए, कभी आपने अपने गिरबान में झाकर देखा है आपकी क्या हरकत है? पागल पर मत करिए, आपको मेरी बात सुननी होगी। सर पांडे तो म्युनिसिपल हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? यस सर, कल बीच सड़क पर एक ट्रक ने उसको ठोक दिया, बहुत क्रिटिकल हालत है उसकी।
पांड्या को कुछ लोग बेहोश हालत में उठाकर लाए थे, अब तक उसे होश नहीं आया। डॉक्टर, एक मासूम बच्चे के किडनैप और हत्या के सिलसिले में पांड्या से पूछताछ करनी, क्या बता सकते हैं उसे होश कब तक आ सकता है? अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, एक दो दिन में होश आ जाएगा। हेलो, असलम हुसैन। जी असलम बात कर रहे हैं। इंस्पेक्टर शुभम बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। पुलिस को ऐसा सुराग मिल गया है जिससे रिजवान को किडनैप करने वाले का पता बहुत जल्दी चल जाएगा। हमारे लिए भी चाय बना दीजिए। जी भाभी, नाराज हैं आप हमसे, हमें माफ कर दीजिए। हम बहुत शर्मिंदा अपने किए हुए गुनाह के लिए। सच कहें तो रिजवान की मौत के बाद हम बहुत कमजोर पड़ गए हैं। जिन बदमाशों ने हमारे मासूम बच्चे का कत्ल किया, उसके खिलाफ हमारे मन में इतना गुस्सा भरा है कि छोटी छोटी बात भी हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसा लगता है जैसे हमारा कलेजा फटकर बाहर आ जाएगा। हमें बहुत अफसोस है, इस बात के लिए हमें माफ कर दीजिए। नहीं भाभी, हम आपके दुख को समझ सकते हैं। अल्लाह ने अगर आपको जख्म दिया है तो उस जख्म से बाहर भी निकालेगा। आप बस हौसला रखिए। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। अब पता नहीं क्यों यहाँ जी नहीं लगता है। सोचते हैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चले जाएं। असलम से कहते हैं वो हमारे मायके हमें छोड़ दे। जी भाभी। असलम, कब तक आ जाएंगे आप? अब सलमा भाभी को घर ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं। अगर घर वालों ने जिद की तो एक दिन रुक जाएंगे, परसों तो वापस यहाँ आ जाएंगे हम। लेकिन असलम, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अरे तो बस हम आ जाएंगे ना परसों, फिर इत्मीनान से बात करेंगे। नहीं नहीं, कुछ अर्जेंट बात करनी है। देखो लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं और उसे छोड़कर आ जाएंगे, ठीक है? तब बात करते हैं। अल्लाह, असलम कहाँ रह गए थे आप? जल्दी चलिए, गाड़ी छूट जाएगी। नहीं छूटेगी, आप चलिए, आप चलिए। सर, हमें असलम की बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने हमसे कहा था कि वो 2-3 दिन में आ जाएंगे। अभी पूरा हफ्ता होने वाला है, ना तो उनका फोन लग रहा है और ना ही वो हमें सामने से फोन कर रहे हैं। आपने अपनी सलमा भाभी को फोन नहीं किया? सर, हमने सलमा भाभी को भी फोन किया था, उनके फोन की बेल बज रही है लेकिन वो हमारा फोन नहीं उठा रही है। ये असलम कहाँ गया होगा? उसका अता पता ठिकाना तो कुछ मालूम होगा आपको? नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता। शादी की है अपने उस फैमिली में और उसका अता पता ठिकाना आपको मालूम नहीं? बड़े ताज्जुब की बात है। अफशां की जान पहचान असलम से इंटरनेट पर हुई थी, फिर निकाह इतनी जल्दबाजी में हुआ कि हम कुछ पूछताछ कर ही नहीं पाए। जैन, क्या खबर? सर, पांड्या को होश आ गया है, उसने अपना बयान दे दिया। क्या बोला? सर, पांड्या ने बिल्ला नाम के गुंडे के बारे में बताया। बिल्ला ने रिजवान को किडनैप करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, लेकिन सर हैरानी की बात यह है कि यह कॉन्ट्रैक्ट देने वाली एक औरत थी। पंड्या ने बिल्ला का पता ठिकाना कुछ बताया? सर, पंड्या ने बताया कि बिल्ला एक मैकेनिक है लेकिन थोड़ा याश टाइप का आदमी है, या तो गैरेज में मिलेगा या फिर किसी तवायफ के कोठे पर। इंस्पेक्टर साहब, ये सब माजरा क्या है? आप परेशान मत होइए, अब कड़ी से कड़ी मिलती जा रही है, बहुत ही जल्द इस ड्रामे का पर्दा खुलने वाला है। पुलिस तहकीकात कर रही थी लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ अफशा और असलम के घर में ड्रामेटिक घटनाएं हो रही, और इसी दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसे देखकर वो भी दंग रह गए। सर, आर्मी हेडक्वार्टर से लेटर आ गया, ये देखिए। सर, सलमा ने बताया था कि वो महमूद हसन की बेवा है, जबकि सर महमूद हसन की बेवा वो किसी भी हालत में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सर महमूद हसन कुंवारा था, एकदम बैचलर, और सर आगे पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि महमूद हसन का ना तो कोई आगे था और ना ही पीछे। यतीम खाने में उसकी परवरिश हुई और डोनेशन के दम पर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। आखिर सच्चाई है क्या? उस घर में ऐसा क्या चल रहा है? ये केस तो उलझते जा रहा है। मिला? सर, ये मसूद भाई है, असलम ने इसे मकान किराए पे लिया था। असलम को जब आपने घर किराए पे दिया जी, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स तो लिए होंगे? जी हाँ, जब वो यहाँ किराए पे आया था तो उसने आईडी प्रूफ के तौर पर अपने ड्राइविंग लाइसेंस की एक जीरोक्स कॉपी हमें दी थी।
दिखाइए, ये तो उन्नाव से इशू हुआ, डिटेल निकालो उसकी। सर सर, ये असलम तो एक नंबर का चालबाज और बेरुपिया निकला, इसका लाइसेंस भी फर्जी है, इसने किसी और के लाइसेंस और डॉक्यूमेंट्स पर अपनी फोटो लगाई है, ये देखिए सर। तो इस असली असलम से मैं फौरन मिल रहा हूं। राइट सर, चलो। ये तस्वीर आपकी है? हाँ जी मेरी है। इसको जानते हो? ये तो गुड्डू की तस्वीर है, अब क्या हरकत कर दी इसने? और क्या जानते हो उसके बारे में? सर बहुत अच्छे से जानता हूँ इसे, गुड्डू उर्फ गफ्फार अली उन्नाव के पास एक छोटे से गांव में रहता था, बहुत बड़े बड़े सपने थे सर इसके, चोरी चकारी करके रुपए हासिल करना और अय्याशियों में उड़ा देना। लेकिन आप लोग क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? इस औरत को जानते हो? ये उसके साथ रहती थी। होगी सर कोई माशूका उसकी। अच्छा, ये गुड्डू और गफ्फार अली का एड्रेस जानते हो? जी हाँ। पुलिस की कोशिशों से राज खुलते जा रहे थे, असलम का रचाया हुआ खेल सामने आ रहा था, खून की लकीरें फैलती जा रही थी। कौन किसके साथ मिला हुआ था, क्या सबके सब पर्दाफाश हुए या इनमें से कोई छुपा रुस्तम भी था? बड़े मियां जी, कहिए। गुड्डू उर्फ गफ्फार अली, आप लोगों का बेटा? मेरा बेटा था, मगर अब हमारे लिए वो मर चुका है। रुकिए बड़े मियां, पुलिस को गुड्डू की तलाश है, वो आपके लिए मर गया ये कहकर आप उसे कानून की गिरफ्त से बचा नहीं सकते। बचा रहे हैं? कौन बचा रहा है उसे? अगर वो कानून की नजरों से बच भी गया तो अल्लाह उसे सजा देगा। अल्लाह क्या आप बता सकती हैं गुड्डू कहाँ है? देखिए, हो सकता है आपके सच बताने से गुड्डू की जान बच जाए। देखिए गुड्डू कहाँ है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ कल उसका फोन हमारे पास आया था, ये इस नंबर से। इस नंबर को नोट करो और फोन को ट्रैक पे डालो। हेलो, किस लड़की को पहचानती? अरे ये करम जली नाश पीटी, ये तो सलमा है, इसी ने हमारे बेटे को फंसाया है, दोनों साथ ही भागे थे। कीड़े पड़े डॉइन के नाश पीटी खत्म हो जाए, गारत हो जाए, ने बेटे को हमारे बेटे को अलग कर दिया है। हेलो, क्या ठीक है, चलो। इतनी चालाकियां होशियारी करने के बाद इसे मिला क्या? सिर्फ दर्दनाक मौत। चलो चलकर सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। सर, ये आदमी आया था? हाँ सर, ये आदमी सौरभ के साथ आया था, एक दिन रुका और अगले दिन चला गया। अच्छा, आपका सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं? थैंक्स सिंह, एक काम करो। सर, गुड्डू की मां का फोन लगातार चेक करते रहो, वो अपनी मां से फोन पे बात करने की कोशिश जरूर करे। यस सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। सर। हाँ सिंह बोलो। सर, अभी अभी गुड्डू की मां के सेल पे गुड्डू का कॉल आया था, कॉल ट्रेस हुआ है सर। सर कॉल इट आवर्स है। गुड, मैं भी पहुंच रहा हूं। सर प्लान हमारा नहीं था साहब, सलमा का था। सलमा तेरी गलती थी, बेबी थी हमारी, वो
बेशुमार दौलत हासिल करके शान की जिंदगी जीना चाहती थी वो, पर हमारी कमाई उतनी नहीं थी। ऊपर से घर में एक बच्चा भी हो गया था, खर्चे हजार और कमाई कौड़ियों वाली, हम भी तंग आ गए थे इस जिंदगी से। तभी सलमा ने कहा कि हमारे पास एक प्लान है इस पत्थर जिंदगी से बाहर निकलने का, कि इंटरनेट के जरिए बड़े घर की लड़कियों को अपने इश्क के जाल में फंसाना, उनसे निकाह करना, और महीने दो महीने के भीतर लाखों रुपए और जेवर लेकर फरार हो जाना। आपसा हमारी पहली शिकार थी साहब। निकाह के एक दो दिन के भीतर ही हमने ये प्लान बनाया कि हम अपने बेटे रिजवान का किडनैप करवाएंगे और अपनी बेबसी और लाचारगी का रोना रोकर अफशा के घर वालों से एक मोटी रकम हासिल करेंगे। पर आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था साहब कि सलमा दौलत के हवस में ऐसी फंसेगी कि वो अपने बेटे की भी जान ले लेगी। कहती थी रिजवान हमारे प्लान को खराब कर देते। साहब उस जेवर की चमक में इस तरह अंधी हो गई साहब कि उसको अपने बेटे का गाढ़ा खून भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। साहब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, हमने साहब उसको मार डाला। इंतकाम था हमारा साहब। लालच बुरी बला है, लेकिन ज्यादा पैसा कमाना, पैसे की चाह रखना ये गलत नहीं है, पर उस चाह को पूरा करने के लिए जुर्म का रास्ता अपनाना वो गलत। सलमा मर चुकी थी, उसका पति सलाखों के पीछे पहुंच चुका था, और उनकी वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई और एक जवान लड़की और उसके परिवार की खुशियां तबाह हो गई। लेकिन अफशा और उसके परिवार वालों को इंटरनेट द्वारा की गई दोस्ती और प्यार को शादी जैसे रिश्ते की ओर ले जाने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी। इंटरनेट ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। कुछ ही पलों में किसी भी क्षेत्र से संबंधित जानकारी इंटरनेट पर हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन जब बात अपनों की हो, हमारे रिश्तों की हो, तो इंटरनेट को मात्र एक जरिया ही समझ, और कोई भी फैसला लेने से पहले सिर्फ अपने दिल का ही नहीं बल्कि दिमाग का भी इस्तेमाल करें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में और खुलासा करेंगे एक और जुर्म का। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को। सीख हम सबको। जय हिंद।